Hello friends, welcome back to the YouTube channel of one and I am here with a new video and इस video में आज हम discuss करने वाले हैं अपनी tense की third type की first sub type. तो start करते हैं. इसमें हम सबसे पहले आज हम देखें हमारे जो tense का name है future indefinite, future simple tense है और बाकी और सबको समझने के लिए कि क्या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब कुछ समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगे. तो प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. अब हम आइडेंटिफिकेशन शनाख्त देखने जा रहे हैं. तो गा घी गे किसी भी सेंटेंस के इन द एंड आता है गा घी गे तो इट मीन्स कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल का टेंस है. जैसे हम फार्मूला देखते हैं, फार्मूला सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है. व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सबको समझने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी. सब्जेक्ट मैं बता देती हूँ क्या होता है. फिर देखते नाउन और प्रोनाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ थिंग, पर्सन, एनिमल एंड नाउन प्लेस. और ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल वगैरह वगैरह, ये सब हेल्पिंग वर्ब है. और वर्ब जो हम काम कर रहे होते हैं वर्ब होती है. वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं और फर्स्ट फॉर्म में जब हम ing ऐड करते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है. ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा. ये ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है. बाकी सब कुछ और अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखें. तो अब इसमें सब्जेक्ट, अब ये हमारा अफर्मेटिव और असर्टिव का जो है वो सेंटेंस है. इसको समझने के लिए आपको अफर्मेटिव, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सब क्या है, तो ये सब कुछ समझने के लिए आप लोगों को जो है ना प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी. तो ये अफर्मेटिव असर्टिव का हमारा सेंटेंस है. ये हम नेगेटिव का है तो इसमें हमने नॉट ऐड कर दिया बिकॉज ये नेगेटिव का है. तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया. और ये इंट्रोगेटिव है, यानी देखें ये अफर्मेटिव यानी असर्टिव. अफर्मेटिव मतलब सादा जुमला जो होता है. और ये नेगेटिव यानी इनकारिया जुमला. और ये इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव मीन सवालिया जुमला. देखिए जब हम लोग इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके फॉर्मूले में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म्स और फिर ऑब्जेक्ट. और उसमें हमने नॉट ऐड कर दिया बिकॉज ये इंट्रोगेटिव. तो ये हो गया हमारा फार्मूला कंप्लीट. इसमें विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया. अब देखते हैं हम इसके सेंटेंसेस. तो चलें देख लेते हैं सेंटेंसेस हमारे ये रहे. सेंटेंसेस में हमारा पहला सेंटेंस है आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो. मैं कल से स्कूल जाऊँगा. स्कूल है ये, अलिफ में लगाना भूल गई. तो इसमें आई विल गो टू स्कूल तो आई हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब और गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. टू हम गो के साथ लगाते हैं और स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया. फ्रॉम टुमारो यानी मैं कल से जाऊंगा तो सारा ऑब्जेक्ट ही हो गया क्योंकि मैं कल से स्कूल जाऊंगा. अब देखें इनके आखिर में गा रहा है, इसके आखिर में भी गी आ रहा है, इसके आखिर में भी गा रहा है. तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल के टेंस के हैं कुछ सेंटेंसेस. अब जैसे मीरा विल नॉट टॉक टू हर सिस्टर. मीरा अपनी बहन से बात नहीं करेगी. मीरा सब्जेक्ट हो गई. विल हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब. नॉट नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. और टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और टू हर सिस्टर ये ऑब्जेक्ट हो गया. मेरा अपनी बहन से बात नहीं करेगी. और ये हम इंट्रोगेटिव है तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया विल. अली सब्जेक्ट कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हेयर ऑब्जेक्ट. तो क्या अली यहाँ आएगा. तो ये होगा हमारा कंप्लीट. अच्छा एक और बात मैं बताने वाली थी कि इसमें मैं ये बता रही थी सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन होता है. नाउन जो है वो किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल, किसी भी थिंग, किसी भी पर्सन का नेम होता है. और प्रोनाउन वो होते हैं जैसे इसमें ना ही, शी, इट वगैरह भी आ ही जाता है. ठीक है ना, सॉरी इसमें नाम वगैरह आते हैं. और जो प्रोनाउन्स होते हैं ना उसमें जैसे ये होते थे. अब मैं कहती हूँ जैसे शी गो टू अली, सारा गो टू स्कूल, तो हम उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करके बोलेंगे शी गो टू स्कूल. तो प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करे. और ये प्रोनाउन और नाउन सब्जेक्ट को कहते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़.